नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशा गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। कोरोना संक्रमण लगातार अपना आंकड़ा पार करता जा रहा है। जिले में शनिवार रात पर 69 लोग संक्रमित मिले। संक्रमितों में एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। बरेली में कई बड़ी कॉलोनियों में भी फैल रहा है कोरोना संक्रमण। जिले में संक्रमित संख्या अब 250 के पार पहुँच चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बरेली में भाजपा की ओर से जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए नामांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 60 वार्ड के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने शिरकत करते हुए लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पूरी एकता के साथ प्रत्याशियों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार जिला पंचायत को मजबूत करने का काम कर रही है। विकास गाँव तक पहुंचे, इसके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बताते चले कि जरूरतमंद लोगों का सहारा बनकर एक गुण संस्था अपने मिशन में अंतर आगे बढ़ रही है। समाज सेवा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही एक गुण संस्था 1400 परिवार के बीच पहुंचकर राशन कपड़े का वितरण निरंतर कर रही है। संस्था की पहले मिशन के रूप में निरंतर कार्य कर रही संस्था के प्रदेश अध्यक्ष बंटी ठाकुर के नेतृत्व में शहर में विभिन्न हिस्सों में जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचते हैं। लोग को सड़क किनारे अपना जीवन यापन झुग्गी झोपड़ी में पहुंचकर निरंतर सेवा भाव से सेवा करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि सेटेलाइट बस स्टैंड बेहोशी की हालत में मिला युवक का शव। रिश्ते के भाई से मिलने के लिए सेटेलाइट बस स्टैंड गया था। युवक वहीं पर बेहोशी की हालत में मिला। इसकी जेब में रखे रुपए मोबाइल फोन गायब था। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली थाना क्षेत्र में किशोर बाजार चौकी के पास 21 वर्षीय विजय अग्रवाल पुत्र चंद्रसेन पुलिस ने बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आपको बताते चले कि मीरगंज में गेहूं काट रहे किसानों को दबंगों ने मारी गोली। दबंगों ने दिन दहाड़े किसान को गोली मार दी। उसके बाद किसान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के समस्तपुर गांव के रहने वाले राजेश पाल सिंह शनिवार की सुबह अपने गेहूं की फसल काट रहे थे। वहीं पर 3 दबंगों ने आकर फायरिंग कर दी।